Welcome back to the new video of Dynamo's World of Region. What a temple! तो यहाँ पर हमारा बैटल जो होने वाला है वो है एक्सप्लोरर के बीच में, नहीं ब्रैडली है शायद ये, हाँ ब्रैडली के बीच में। तो आप देखिए ब्रैडली है और ये मेरा टीम है जेनिक्स, क्रिम्सन और थॉरनंडर। तो आप देख सकते हो गाइस मेरा जेनिक्स अब लेवल 31 का हो चुका है और मेरा क्रिम्सन 26 लेवल 21 में मेरा थॉरनंडर है। तो अब मैं बैटल करूँगा इससे। तो ये कह रहा है दिस बेटर बी गुड, आई एम वेरी बिजी। अच्छा भाई बहुत ज़्यादा बिजी है तू, अभी मैं तो छुट्टी देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देखिए नूट नूट है इसका नाम, नूट। तो ये नूट आई थिंक ये पेंगो का एवोल्यूशन है। तो बहुत ही सही डायनामोन है, इसने चूज़ किया वाटर टाइप। ठीक है यार, तो मैं स्टैटिक शॉक यूज़ करता हूँ। भाई मैं तो पावर बर लेना भूल ही गया। अच्छा कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, आराम से। जब आपको ना यहाँ पे तो टेंशन नहीं लेने का, आपको हर एक मैच सिधा देगा। और यहाँ पे मेरा अटैक इंक्रीज हो गया और इसने सोनिक शॉक यूज़ किया है, क्रिटिकल भाई मस्त है। अब रुक जा मैं तुझे एनर्ज लेके दिखाता हूँ, और अटैक इंक्रीज करूँगा और एक बार एनर्ज लूँगा और एक बार एनर्ज लेकर गंदा मारूँगा मैं तुझे। रुक, तीन एनर्ज का पावर है मेरे पास, देखते हैं कितना डैमेज दे सकता है ये भाई। विंटर चिल्स, ओ माय गॉड, ये दिल को ऐसा झटका लग गया ना जब इसने विंटर चिल्स यूज़ किया तो। अरे यार मैं सोच रहा था ये अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, लो हो गया। अबे वो नल्ले गधे कहीं के, एकदम एंडिंग मोमेंट पे तूने कैसे यूज़ कर दिया अबे विंटर चिल्स। एक मिनट रुक जाता बस। ओह ठीक है कोई बात नहीं, हम जीत चुके हैं। हमारा मतलब अब हम जीते तो नहीं है लेकिन अभी भी हम जिंदा हैं, तो अब हम अभी भी हम बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं, उखाड़ने को तो बहुत कुछ है। तो ये रहा मेरा स्टैटिक शॉक और मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया इसको, बहुत सही। ओके अब मुझे लगता है पावर पर ले लेना चाहिए विंटर चिल्स, ये मेरा अटैक कम करते जा रहा है, अब मैं ले लेता हूँ पावर पर। रुक जा भाई, क्या बोल रहा था तू, बहुत बोल रहा था मुंह खोल के। हाँ अब बोल। थंडर ब्लास्ट, स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल, देख रहा हो एक पावर पर लेने के बाद कितना हाई डैमेज दे रहा है ये। अरे यार इसकी तो एक अलग ही बीमारी चल गई है, जब देखो तब सीखो जा रहा है। ठीक है स्क्रैच क्रिटिकल गया, अच्छी बात है ये। और यहाँ पे इसने हरिकेन यूज़ किया है क्रिटिकल भाई, ओ माय गॉड अटैक कम कर रहा है ये। ओके स्क्रैच करता हूँ मैं फिर से। ठीक है अब मैं यूज़ करूँगा क्विक अटैक जिससे कि मैं इसे हरा सकूँ। प्लीज़ यार एकदम एंडिंग मोमेंट पे हूँ मैं। एक मिनट जेनिक्स का मैं शॉक वेव यूज़ कर लूँ या हॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ। भाई हॉन्ट मूव से तो इतना हेल्थ बचा लिया, मतलब तू कुछ अलग ही लेवल पर है, मजाक नहीं कर रहा मैं, बहुत स्ट्रांग है ये बंदा। ठीक है तो ये रहा पॉइजन बाइट, ले जा निकल ले। ओ माय गॉड डायनास की ग्रबल का वो आइस टाइप का एवोल्यूशन भाई मस्त यार, इसके ऊपर माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट और हिमालय सभी को एक ही जगह पे लेके आ गया ये है अपने पीठ पर उठा के, बहुत ही अच्छे। जन सेवा कर रहा है। नहीं मालूम आप लोग को, अभी ये क्या करेगा, ये ऐसे पीठ पे लेके घूम घूम के सब लोग को हिमालय घुमाएगा और फिर ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाएगा सबको, क्यों है ना भाई डायनास की। ये देखो ये एड़ा मुझे हिप्नो में भेज रहा है, अभी रेज रूट लूँगा और इसके मुँह पे दे मारूंगा। नहीं रेज रूट नहीं, एंटीडोट लेंगे। अभी हमारे पास कुछ स्पेशल मूव नहीं है तो मैं रेज रूट नहीं लूँगा, जब मेरे पास कुछ स्पेशल मूव होता तो मैं ज़रूर लेता रेज रूट। ओके इसने ब्लिजार्ड यूज़ किया है, ब्लिजार्ड ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, ले लेता हूँ रेज रूट और दूंगा इसको डैमेज 2500 का। ओके भाई मस्त, बहुत ही सही, अब इसको सिकनेस हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं, बहुत ही सही यार, अच्छी बात है, चलो लगे रहो। हीलिंग स्प्रे ले लेता हूँ मैं, हील स्प्रे, और अपने आप को हील कर लूँगा। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ स्क्रैच अटैक और यहाँ पे डायनास की, भाई फ्रोजन मिस्ट मत यूज़ कर यार, तू बात को समझता नहीं है। अरे यार सुन ले ना पहले, क्यों इतना यूज़ कर रहा है इतने सारे मूव्स को। ठीक है थंडर ब्लास्ट कर देता हूँ मैं, इसका डिफेंस चूस लूँगा, तूने मेरे अटैक को चूस लिया मैं तेरे डिफेंस को चूस लूँगा। आइसबर्ग यूज़ कर रहा है, बहुत ही अच्छी बात है।
रुक जा, स्टैटिक शॉक। अरे यार ये बैल एक नंबर का बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ कहीं का, मिस कर दिया इसने, इस बार भी मिस कर दिया तो मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा बैल। हाँ बच गया मैं, डिफेंस कम हुआ उसका, अच्छी बात है। और यहाँ पे अब मैं यूज़ करूँगा क्विक अटैक, जिससे मैं फास्टली अटैक कर सकूँ। भाई फास्ट अटैक किया मैंने, लेकिन इतना कमज़ोर नहीं कहा था मैंने अटैक करने को। ठीक है कोई बात नहीं, एनरेज लेते हैं और स्क्रैच अटैक करेंगे, शायद ये मर जाए उससे। और ठीक है तो इसने फ्रोजन मिस्ट, अरे भाई ये तो अटैक पे अटैक कम कर रहा है मेरा। और ठीक है ले स्क्रैच, जा मरे वहाँ पे। अबे वो फिर से ज़िंदा बच गया, ये मार लिया, सुकून पड़ गया। अरे भाई ये देखो आ गया पॉडनेस, और इससे लड़ेगा हमारा जेनिक्स भैया। और गाइस आप देख सकते हो ये पॉडनेस फ्लैश अटैक यूज़ कर रहा है, अब मैं यूज़ करूँगा नाइट फॉल, जिससे कि मेरा और अटैक बढ़ जाए और मैं बहुत ही हैवी अमाउंट में डैमेज दे सकूँ इसको। और अब ये सीख जाएगा किससे लड़ना चाहिए किससे नहीं लड़ना चाहिए। अब शॉकवेव दिया है मैंने, इसका डिफेंस कम हुआ, और दो बार शॉकवेव दूंगा इसका, बहुत ही ज़्यादा मैं डिफेंस कम कर दूंगा। और यहाँ पे मेरा शॉकवेव क्रिटिकल गया, बहुत सही बहुत सही, लगे रहो यार लगे रहो। शॉकवेव यूज़ कर फिर से, शॉकवेव बहुत सही। एक बार और डार्क बीम बस यूज़ करूँगा, आई थिंक ये मर जाएगा दो डार्क बीम में, एक और एक पॉइजन बाइट काफ़ी है इसके लिए, डार्क बीम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये बात नहीं, बेचारे की जो तरस है वो पूरी कर देते हैं, नाले के पानी में नहा ले जाके। हट गया जेनिक्स, इसका एक्सपी आ गया, बहुत ही अच्छी बात है, 500 रिवॉर्ड मिल गया हमें शार्ट्स का और 15 पॉइंट्स मिल चुके हैं, बहुत ही अच्छी बात, कूल कर देता हूँ मैं। ओके तो ये तो गया गाइस, तो अब हम जीत चुके हैं मैच को, ये तो गया, अब आप सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके बाय गाइस।